हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एलायंस स्टडी में। प्यारे साथियों, आज हम देश की पार्लियामेंट के नाम जानेंगे। एक तरफ आपको देश के नाम देखने के लिए मिलेंगे, दूसरी तरफ आपको उस देश की संसद का नाम देखने के लिए मिलेगा। संसद मतलब पार्लियामेंट। स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन, जिसमें देखिए आज के इस सेशन में लगभग 60 क्वेश्चन रहेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और आपको अच्छे से याद करना है, ताकि आने वाले आपके ऑल कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में अच्छे से मतलब आना चाहिए और आप अच्छे से उसको कर सकें। स्टार्ट करते हैं। पहला, इंडिया की पार्लियामेंट को हम संसद के नाम से जानते हैं, मिस्र की पार्लियामेंट को हम पीपुल्स असेंबली के नाम से जानते हैं, ब्राज़ील की पार्लियामेंट को नेशनल कांग्रेस ऑफ ब्राज़ील के नाम से जानते हैं, केन्या की पार्लियामेंट को हम नेशनल असेंबली के नाम से जानते हैं, सिंगापुर की पार्लियामेंट को हम संसद के नाम से जानते हैं, श्रीलंका की पार्लियामेंट को संसद के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, ऑस्ट्रिया। देखिए, ये ऑस्ट्रिया देश है, ना कि ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया एक अलग होता है और ऑस्ट्रिया अलग होता है। तो ऑस्ट्रिया की राजधानी ऑस्ट्रिया की जो पार्लियामेंट है उसको हम संसद या ऑस्ट्रिया जिसे पार्लियामेंट कहते हैं। ओके, नेक्स्ट, बुल्गारिया की संसद, यानी सॉरी बुल्गारिया की जो पार्लियामेंट है उसकी संसद को क्या बोला जाता है? उसको बोलेंगे नारदोगो सुब्रानिए। नेक्स्ट, म्यांमार की पार्लियामेंट को हम पिप्यूथू हतुता बोलते हैं। नेक्स्ट, इंडोनेशिया की पार्लियामेंट को हम पीपुल्स कंसल्टेटिव असेंबली बोलते हैं। नेक्स्ट, ग्रीस की पार्लियामेंट को हम डेपुटिस के चैम्बर बोलते हैं। नेक्स्ट, पैराग्वे की पार्लियामेंट को सीमेन और डेपुटिस के चैम्बर बोलते हैं। नेक्स्ट, वियतनाम की पार्लियामेंट को हम नेशनल असेंबली बोलते हैं। नेक्स्ट, लक्समबर्ग की पार्लियामेंट को डेपुटिस के चैम्बर बोलते हैं। नेक्स्ट, इटली की जो असेंबली है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, 2-3 एग्ज़ामों में पूछा गया है। इसकी पार्लियामेंट को हम डेपुटिस और सीनेट के चैम्बर बोलते हैं। नेक्स्ट, लिथुआनिया की पार्लियामेंट को हम सीमस बोलते हैं। फिनलैंड की जो पार्लियामेंट है उसको एडुस कुस्ता बोल सकते हैं। एग्ज़ाम में जो भी पूछा जाए इन दोनों में से एक नाम दे देगा, दोनों नाम देगा वो कन्फ्यूज करने के लिए तो दे सकता है, मगर ऐसा क्वेश्चन नहीं देखने के लिए मिलेगा जिसमें एक ही, जैसे फिनलैंड है इसको एडुस कुस्ता भी बोलते हैं और इसी को संसद बोलते हैं, ऐसा नहीं देगा कि संसद अलग दे दिया एडुस कुस्ता अलग दे दिया, मिला के ही देगा जब भी देगा। नेक्स्ट, लाओस की संसद का नाम है पीपुल्स सुप्रीम असेंबली। नेक्स्ट, लीविया की भी जो पार्लियामेंट है उसको बोलेंगे जनरल पीपुल्स कांग्रेस। उत्तर कोरिया की जो पार्लियामेंट है उसको क्या बोलेंगे? सुप्रीम पीपुल्स असेंबली। देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उत्तर कोरिया का पूछा गया है तो इसको अच्छे से याद रखना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो चुका है। उत्तर कोरिया का अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप एकदम तुरंत बता देंगे सुप्रीम पीपुल्स असेंबली, इसकी पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं? सुप्रीम पीपुल्स असेंबली, ठीक है। नेक्स्ट, दक्षिण कोरिया को बोलेंगे नेशनल असेंबली। पाकिस्तान की असेंबली को बोलते हैं नेशनल असेंबली। देखिए, ये दोनों सेम हैं, आपको याद रखना है।
दक्षिण कोरिया की भी नेशनल असेंबली, पाकिस्तान की भी नेशनल असेंबली, ठीक है, ब्रिटेन की पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट ही बोलते हैं, ठीक है, ब्रिटेन की पार्लियामेंट को पार्लियामेंट ही बोला जाता है। नेक्स्ट जर्मनी की पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं, जर्मनी की पार्लियामेंट को इसको बोलेंगे बुंडेसटैग या बुंडेसटॉक, निचला सदन या बुंडेसतंत्र, ये एक ऊपरी सदन होता है। ये देखो जो निचला सदन होगा उसको बोलेंगे बुंडेसटाग, और आपका जो ऊपरी सदन होगा उसको बोलेंगे बुंदे स्तर, ठीक है। नेक्स्ट यूएसए, यूएसए की पार्लियामेंट का नाम है, इसको बोलते हैं कांग्रेस। बांग्लादेश की पार्लियामेंट को बोलते हैं जातीय संसद, ठीक है। ताइवान की संसद को बोला जाता है युआन, और इजराइल की संसद को बोला जाता है नेसेट। जापान की पार्लियामेंट को बोला जाता है डायड। मालदीव की संसद को बोला जाता है मजलिस, ठीक है, मजलिस। मालदीव की जो पार्लियामेंट है उसको बोलते हैं मजलिस, ठीक है। नेक्स्ट स्वीडन, स्वीडन की जो पार्लियामेंट है उसको बोलेंगे हम रिक्सडाग, ठीक है, रिक्सडाग। नॉर्वे की पार्लियामेंट को बोलते हैं स्टॉर्निंग, ठीक है, स्टॉर्निंग। नेक्स्ट बेलारूस की जो पार्लियामेंट है उसको बोलते हैं सुप्रीम काउंसिल। नेक्स्ट आयरलैंड की पार्लियामेंट को बोलते हैं डेल आयरन बोला जाते हैं इसको, ठीक है ना, डेल आयरन आयरलैंड की डेल आयरन। नेक्स्ट ऑस्ट्रेलिया की जो संसद है उसको बोला जाता है संघीय संसद। स्पेन की पार्लियामेंट को हम क्या बोलते हैं, स्पेन की पार्लियामेंट को कोर्टेस बोलते हैं। नेक्स्ट रूस की जो पार्लियामेंट है उसको बोला जाता है ड्यूमा, रूस की पार्लियामेंट को ड्यूमा बोलते हैं। नेक्स्ट चीन की पार्लियामेंट को नेशनल पीपुल्स कांग्रेस बोलते हैं। फ्रांस की पार्लियामेंट को नेशनल असेंबली बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ईरान की जो पार्लियामेंट है उसको क्या बोला जाता है, मजलिस बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट भूटान की पार्लियामेंट को तत्सोंगड़ू बोलते हैं। नेक्स्ट मलेशिया की जो पार्लियामेंट है उसको क्या बोला जाता है, उसको बोलते हैं दीवान निगारा। अफगानिस्तान की पार्लियामेंट को क्या बोला जाता है, सोरा। अफगानिस्तान की जो पार्लियामेंट है उसको क्या बोला जाता है, सोरा, ठीक है। नेक्स्ट स्विट्जरलैंड, इसकी जो पार्लियामेंट है इसको बोला जाता है फेडरल असेंबली, ठीक है ना, फेडरल असेंबली। नेक्स्ट तुर्की की पार्लियामेंट को ग्रैंड नेशनल असेंबली। पोलैंड की जो पार्लियामेंट है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सोजिम, ठीक है ना, सोजिम बोलते हैं। नेक्स्ट मंगोलिया की जो पार्लियामेंट है उसको क्या बोला जाता है, मंगोलिया की पार्लियामेंट को खुरल बोलते हैं, खुरल, ठीक है ना, मंगोलिया की पार्लियामेंट को खुरल बोलते हैं। नेक्स्ट डेनमार्क की पार्लियामेंट को फालकेटिंग बोला जाता है। नेक्स्ट कनाडा की पार्लियामेंट को बोलते हैं पार्लियामेंट। ये कनाडा की जो संसद है इसको पार्लियामेंट के नाम से ही जाना जाता है, ठीक ना, याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका अंडोरा की पार्लियामेंट को सामान्य परिषद के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट
अल्बानिया, अल्बानिया की जो मतलब असेंबली है, जो उसकी मतलब पार्लियामेंट है, उसको बोलते हैं पीपुल्स असेंबली, पीपुल्स असेंबली। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पीपुल्स असेंबली जो है ना, लगभग 6+ देशों के मतलब पार्लियामेंट का नाम है, जिसमें आपको बहुत अच्छे से याद रखना है ताकि आप कंफ्यूज ना हो सकें, एग्ज़ाम में कोई गलती ना कर सकें और अच्छे से अपना एग्ज़ाम दे सकें। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अजरबैजान। अजरबैजान की पार्लियामेंट है, उसको बोला जाता है मेली मजलिस, मेली मजलिस। ओके, नेक्स्ट अल्जीरिया। अल्जीरिया की पार्लियामेंट को बोला जाता है नेशनल पीपुल्स असेंबली। ये भी देखो 2-3 बार आ चुका है, नेशनल पीपुल्स असेंबली। अल्जीरिया की पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं? नेशनल पीपुल्स असेंबली। नेक्स्ट है आपका अंगोला। अंगोला की जो पार्लियामेंट है, उसको भी क्या बोलता है बोलते हैं? नेशनल पीपुल्स असेंबली। देखिए ये सेम हो गया, नहीं हो गया? ये भी आपको याद रखना है और आपको ये भी याद रखना है ताकि आप अच्छे से कर पाओ। नेक्स्ट है आपका अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की जो पार्लियामेंट है, उसको बोला जाता है राष्ट्रीय कांग्रेस, राष्ट्रीय कांग्रेस। बोलीविया की पार्लियामेंट को क्या बोला जाता है? बोलीविया की पार्लियामेंट को राष्ट्रीय कांग्रेस। देखिए अब यहाँ भी आपको अच्छे से याद रखना है, ये देखिए सेम क्वेश्चन हो गया है, ठीक है ना? अब जिसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है और अच्छे से याद रखना है, अर्जेंटीना, बोलीविया, ये इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है ना, जिसमें आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका बुर्नई। बुर्नई की पार्लियामेंट को क्या बोला जाता है? नेशनल असेंबली। और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें आपको बताना है सेल्स की पार्लियामेंट को बोलते हैं पीपुल्स असेंबली। ठीक है, तो ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छे से अच्छा टॉपिक मिले उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके और आप अच्छे से हमारी वीडियो को लाइक कर सकें और अच्छे से पढ़ सकें, अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकें। एंड थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, थैंक यू।